माता द्रौपदी ने पुष्कर में तप किया था पूर्व में सीता बनकर। जब राम जी का युद्ध पूरा हो गया था तो जो छाया से जानकी बनाई, बच्चों तुम गड़बड़ी कर रहे हो, देख लो नहीं तो 4 बजे के बाद प्रसाद मिलेगा। सुबह दक्षिणा में नोट मिले हैं, अब दक्षिणा में फिर कनपट्टी सेकी जाएगी, देख लो नहीं ठीक से बैठे रहो, ठीक से बैठो, भूखे हो, फलार हो गया नहीं हुआ, हो गया तो फिर बदमाशी क्यों कर रहे हो, ठीक से बैठते। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या सुना रहा था, भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपनी छाया से जो जानकी को प्रकट किया, युद्ध पूरा हो गया तो छाया वाली सीता बोली कि अब मैं कहाँ जाऊं, भगवान राम बोले पुष्कर जाओ और महादेव का तप करो। शंकर जी का तप किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए पुष्कर में और जानकी जी को कहा कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो माता जानकी अपने पति राम को छोड़ के आई थी तो वही चिंतन चल रहा था, तो 5 वरदान मांगे, एक नहीं, कहा प्रभु 5 दे दो। कहा क्या, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसमें 5 बातें हों। सबसे पहला, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे कभी झूठ ना बोले, सत्यवादी हो, सत्य बोले, ऐसा पति चाहिए। कोई नारी नहीं चाहेंगी कि उसका पति उससे झूठ बोले। आप भी अपनी बेटी के लिए घर वर देखने के लिए जाते हो, कार्तिक मातम में आप सुन रहे हैं, बेटी के लिए घर देखो तो उस वर में ये 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला है कि वह झूठा ना हो, झूठ ना बोले। प्राय लोग झूठ ही ज्यादा बोलते हैं, होते हैं कहीं, बताते हैं कहीं, आते हैं कहीं से, बताते हैं कहीं से। सबसे पहला गुण है मनुष्य का वो यह है, जो है सो की सो बताए, घर वाले से झूठ ना बोले। हाँ, एक आध जगह तो झूठ चल जाएगा, कहाँ, मम्मी पापा आपसे दूर रहते हैं, उनसे मिलके आए हो, तो यदि हो सकता है कि आपने बता दिया मम्मी पापा से मिलके आए तो घर में गृह युद्ध शुरू कर दे। वैसे तो अच्छी बहन, अच्छी माताएं ऐसा करती नहीं है, फिर भी कर दे। आपने अपने भाई का सहयोग कर दिया है, उसकी बेटी की शादी थी, कुछ आपने धन लगा दिया और आपने यह बात छिपा ली, तो मुझे लगता है आपने कोई गुनाह नहीं किया, बहुत साहूकारी का काम किया, यज्ञ से ज्यादा काम आपने बढ़िया कर दिया है, आपने अपने भाई की बेटी के विवाह में आपने सहयोग किया। और ये आपने अपनी पत्नी को या और किसी को नहीं बताया, तो आपने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। मैं वही प्रसंग में लौट करके आ रहा हूँ, 5 वरदान जो सीता जी ने मांगे थे, पहला था मेरा पति सत्यवादी हो, झूठ ना बोले, दूसरा हो मेरे पति से बढ़कर धरती पर कोई दूसरा धनुर्धर ना हो, यह वरदान मांगा। तीसरा वरदान, मेरा पति इतना वीर हो, लोग उसका लोहा तो माने लेकिन मैं भोजन बनाऊं और वो आराम से भर पेट जी में। माताएं बनाती हैं, जब उसका बेटा या पति खूब खाता है तो ये थकती नहीं है, इनको खुशी होती है, इन्हें प्रसन्नता होती है, जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही ये खुश होती है। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं भोजन बनाऊं और मेरा पति खूब खावे, ये हमें तीसरा वरदान दे दीजिए। और उन्होंने चौथे वरदान में मांगा कि मेरे पति से रूपवान कोई दूसरा ना हो। 5वें वरदान में मांगा कि ईश्वर के ऊपर मेरा पति श्रद्धा रखने वाला हो। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक ही व्यक्ति में 5ों चीजें हों तो बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम वरदान दिए देते हैं कि 5 वरदानों की वजह से तुम्हारे लिए 5 पति मृत्यु लोक में चल करके आएंगे। शंकर जी ने कहा यह हमारा वरदान है तुम्हारा। पुष्कर में शरीर छोड़ा, पुष्कर जी में तो शरीर छोड़ा जानकी ने,
और द्वापर में राजा द्रुपद एक यज्ञ कर रहे थे, वही जानकी राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हो गई, इसलिए उसका नाम द्रौपदी हुआ। द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई इसलिए नाम द्रौपदी, यज्ञ से प्रकट हुई है इसलिए इसका नाम था यज्ञसेन। पांच वरदान उसने मांगे थे, पहले में मांगा था कि पति सत्यवादी और झूठ न बोले इसलिए दुष्टर मिल गए। उसने कहा मेरे पति से बड़ा धनुर्धर न हो इसलिए उसको अर्जुन मिल गए। वो कहती है मैं बनाऊं और मेरा पति हाल ही खा ले, मैं लेके आऊं रसोई से तो थाली साफ मिले, इसलिए तो बड़े पेट वाले भीम जी मिल गए। फिर उसने कहा कि मेरा पति देवताओं को मानने वाला हो इसलिए सहदेव मिले, और धरती पर मेरे पति से सुंदर कोई और दूसरा ना हो। भगवान कृष्ण भी अपने मुंह से बात कहते थे, कुंती बुआ मैंने नकुल जैसा सुंदर प्राणी इस मृत्यु लोक में नहीं देखा। भगवान कृष्ण नकुल का अर्थ ही था जो बहुत ज्यादा सुंदर है।